आज मैं ऐसा एक शब्द लाया हूं, शब्द है जस्ट। जस्ट के कई और मायने हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। कुछ मैंने सेंटेंस शुरू में लिखे हैं जो बेहद आवश्यक भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बेहद यूजफुल भी हैं, डेली स्पीकिंग में आते ही आते हैं वो। जस्ट, माई फ्रेंड वॉज जस्ट जोकिंग, मेरा दोस्त तो बस मजाक कर रहा था, बस मजाक ही तो कर रहा था, मेरा दोस्त तो बस मजाक ही कर रहा था, सीरियसली मतलब मजाक कर रहा था। आई हैव जस्ट सीन हर, मैंने अभी अभी उसे देखा, मैंने अभी अभी उसे देखा है। आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने अभी अभी उसे देखा है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स ओनली, देखो भाई हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे आगे कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। जस्ट लेट मी गो, बस मुझे जाने दो, लेट मी गो, जस्ट लेट मी गो। इतना इस्तेमाल है इस शब्द का, देखें जस्ट शब्द का। और कुछ लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं भी होते अंग्रेजी, वो भी करते हैं, जस्ट लेट मी गो, बस मुझे जाने दो। अब देखें पांचवा सेंटेंस, बोलने के सेंटेंसेस बताए हैं मैंने आज जस्ट पर बोलने के। जस्ट शट अप, बस चुप जाओ, बस चुप रहो। एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, चुप जाओ। इस तरीके से जब हम बोलते हैं, दे विल डू जस्ट दैट, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, वे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। दे विल डू जस्ट दैट, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। माई सन वॉज जस्ट लाइक हिम, मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल उसकी तरह था। माई सन इज जस्ट लाइक हिम, मेरा बेटा बिल्कुल उसकी तरह है। माई सन वॉज जस्ट लाइक हिम, मेरा बेटा बिल्कुल उसकी तरह था, मेरा बेटा उसकी तरह है, तो वाज और इसका अंतर आ जाएगा बस। माई सन इज जस्ट लाइक यू, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। माई सन इज जस्ट लाइक यू, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जस्ट लगा करके बनते हैं। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, अभी 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 मैं एक पत्र लिख के चुका हूं, लेटर लिख के चुका हूं, अभी अभी की बात। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, अब ये सेंटेंस देखें, वो अभी अभी यहां आया है, अभी अभी मेरे पिताजी अभी अभी यहां आए हैं, मेरे पापा अभी अभी यहां आए हैं, मेरा दोस्त अभी अभी यहां से गया। ये सेंटेंस भी जस्ट लगा करके बनते हैं। जैसे माय फ्रेंड है जस्ट कम हियर, अभी अभी यहां आया है, मेरा दोस्त अभी अभी यहां आया, माय फ्रेंड है जस्ट कम हियर। माय फ्रेंड है जस्ट लेफ्ट, अभी अभी गया है, मेरा दोस्त अभी अभी गया है, अभी अभी आया। इस प्रकार के सेंटेंस जस्ट लगाने से बनते हैं। माय सन इज जस्ट 10, अब यहां पर अर्थ है केवल, मेरा लड़का बस 10 साल का है, केवल 10 साल का है। माय सन इज जस्ट 10, आई एम जस्ट 60, आई एम जस्ट 60, ऐसे बोले, आई एम जस्ट 60, मैं बस 60 साल का हूं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बने, माय सन इज जस्ट 10, बस 10 साल का है मेरा बेटा। द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, ये संसार क्या है, स्वप्न की तरह है, बिल्कुल स्वप्न की तरह। द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, संसार एक स्वप्न की तरह, सपने के समान है। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट, 2 मिनट लेंगे बस। इट विल जस्ट टेक टू मिनट्स, 5 मिनट लेंगे तो 5 मिनट्स कह दीजिए, तो ज्यादा जितने भी लगे आप जितने भी बोलना चाहें, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स, 2 सेकेंड्स, कुछ भी बोल सकते हैं। इट विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लेंगे बस।
माई मदर जस्ट वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी। मेरी माँ और कुछ ना चाहती, मेरी माँ और कुछ नहीं चाहती, बस एक बात चाहती कि मैं खुश रहूं। माई मदर जस्ट वॉन्ट्स मी टू बी हैप्पी। मेरी माँ केवल ये चाहती है कि मैं खुश रहूं। अब अगला सेंटेंस देखें, आई हैव जस्ट अपलोडेड दिस वीडियो। मैंने अभी अभी ये वीडियो अपलोड किया, मैंने आई हैव जस्ट अपलोडेड दिस वीडियो, ये वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड की है। वी कैन नॉट क्लैप विद जस्ट वन हैंड, केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े के लिए भी दो आदमी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी झगड़ा कर लेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। झगड़ा एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए भी दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो ये इसकी भी अंग्रेजी है। देखें, वी कैन नॉट क्लैप विद जस्ट वन हैंड, एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हम। आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आदमी सही नहीं है। वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम। आई एम जस्ट सेइंग दिस, मैं बस इतना कह रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट या दिस, वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, हमें उस पर ट्रस्ट माने भरोसा। तो हमें, आई एम जस्ट सेइंग, बस मैं इतनी बात कह रहा हूं कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट माने भरोसा करना, विश्वास करना। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, इस बिल्कुल जाने वाला हूं। एक आई एम अबाउट टू गो अर्थात मैं जाने वाला हूं, और आई एम जस्ट अबाउट टू गो बिल्कुल जाने वाला हूं। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, लेकिन बिल्कुल शब्द लगा दीजिए, बिल्कुल जाने वाला हूं। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था, बिल्कुल जाने वाला ही था। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो, मैंने बता दिया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ड्रिंक द टी, मैं चाय पीने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ड्रिंक टी, मैं चाय पीने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू ईट फूड, मैं खाना खाने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला था। इस प्रकार के ये सेंटेंस बनेंगे। ये तो बस ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इट वॉज जस्ट ए ट्रेलर, इट वॉज जस्ट ए ट्रेलर, द फिल्म इज येट टू कम माई फ्रेंड। जस्ट, जस्ट का एक और अर्थ है उचित। दशरथ वॉज ए जस्ट किंग, न्यायकारी राजा थे, उचित राजा थे, द राजा दशरथ एक उचित राजा थे, बादशाह थे, न्याय संगत। दूसरा अर्थ है इसका न्याय संगत। ए जज मस्ट बी जस्ट, एक जज को और या एक राजा को, ए किंग मस्ट बी जज जस्ट, ए किंग मस्ट बी जस्ट, अर्थात एक राजा को न्यायकारी होना चाहिए। एक टीचर, एक प्रिंसिपल मस्ट बी जस्ट, एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को न्यायकारी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं जस्ट का। ठीक भी तीसरा अर्थ होता है इसका। दिस शर्ट इज जस्ट टू माई साइज, ये जो शर्ट है ये बिल्कुल मेरे साइज की है। दिस शर्ट इज जस्ट टू माई साइज, ये शर्ट बिल्कुल मेरे साइज की है, मेरे फिट आई है बिल्कुल, यह मतलब है। उतना ही एक और अर्थ होता है इसका। ही जस्ट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई। ही इज जस्ट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई। बिल्कुल, बिल्कुल भी इसका अर्थ होता है। माय ब्रदर इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मी, मेरा भाई बिल्कुल मुझसे उल्टा है, जैसे मैं करता हूं समझ लो बिल्कुल उल्टा है। माय ब्रदर इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मी, मेरा भाई मुझसे बिल्कुल ठीक उल्टा है। जस्टिफाई, जस्टिफाई माने सत्य ठहराना किसी चीज को, जस्टिफाई करना, सत्य ठहराना, उचित ठहराना। हिज एक्सीलेंट मार्क्स जस्टिफाई
हिज बेबिलिटी, उसके शानदार नंबर आए, बहुत शानदार नंबर आए, इसका मतलब वो असलियत में काबिल है। हिज एक्सलेंट मार्क्स, उसके बहुत अच्छे मार्क्स, ये बताते हैं, ये सत्य ठहराते हैं कि वो वास्तव में काबिल है। हिज एक्सलेंट मार्क्स जस्टिफाई हिज एबिलिटी। जस्टिस, जस्टिस माने होता है न्याय, न्याय, एवरीबॉडी शुड गेट जस्टिस, सभी को न्याय मिलना चाहिए, एवरीबॉडी शुड गेट जस्टिस, सभी को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिफिकेशन माने औचित्य, आई कैन नॉट गिव एनी मोर जस्टिफिकेशन, अगर कोई कुछ कह दे तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है उसको कि वो उचित था या अनुचित था, तो वो अपने स्टेटमेंट यानी अपने स्टेटमेंट की जो वाक्य उसने बोला, जो शब्द उसने बोले, उसका औचित्य बताता है कि मैंने इसलिए ये कहा। आई कैन नॉट गिव एनी मोर, मैं इससे ज्यादा अपने स्टेटमेंट को, अपने वाक्य को औचित्य या उचित नहीं ठहरा सकता। आई कैन नॉट गिव एनी मोर जस्टिफिकेशन ऑन माई स्टेटमेंट, इससे ज्यादा उचित नहीं ठहरा सकता मैं अपने शब्दों को। वी आर नॉट टू क्वेश्चन वाई, वी आर जस्ट टू डू एंड डाई, अर्थात हम क्वेश्चन करने वाले विधाता के काम में कौन होते हैं, हमें तो आना है और फिर चले जाना है। वी आर नॉट टू क्वेश्चन वाई, वी आर जस्ट टू डू एंड डाई। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।